चलिए आज बनाते हैं हम दिवाली के लिए चकली। चकली बनाना बहुत ही आसान और इजी है, चलिए मेरे साथ बना लेते हैं चकली। अब हम लेते हैं पोहा, क्योंकि हमें पोहा की चकली बनानी है। जो रेगुलरली हमारे घर में रहते हैं पोहा, उसी की। ये है दलिया। दलिया आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और दलिया एक दाल का ही प्रकार है, चना दाल का। और ये है राइस फ्लोर, ये भी मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। ये सीसेम, आपको सीसेम पता ही है। तो इन चार चीज़ों से हम बनाते हैं चकली, हालांकि इसमें मसाला डालेंगे। चलिए एक मिक्सी बाउल में उतार लेते हैं एक बाउल पोहा और एक बाउल दलिया। पोहा और दलिया का प्रमाण हम सेम ले लेते हैं। दलिया थोड़ा सा कम लिया तो चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक कटोरी पोहा एक कटोरी दलिया लिया है। इस प्रकार से मिक्सी बाउल में पाउडर निकाल लिया है मैंने। ज़्यादा दरदरा पाउडर नहीं निकालना है, एकदम सॉफ्ट सा निकाल लीजिए पाउडर। और इस प्रकार से अब पैन रख लेते हैं गैस पे। और इसी कटोरी से, जिस कटोरी से हमने पोहा दलिया लिया था, उसी कटोरी से हम पानी ले लेते हैं। दो बाउल पानी लेना है हमें। आटा गूंदने के लिए हम पानी रेडी कर रहे हैं। पानी में हम डालेंगे हल्दी मसाला, जैसे कि लाल मिर्च, नमक। और इसी कटोरी के हिसाब से मैंने अभी 2 कप पानी डाला है। चलिए अभी पानी को एक उबाल आने देते हैं और इसमें हम डालते हैं नमक स्वादानुसार, एज यूर टेस्ट। अब इसमें डाल लेते हैं लाल मिर्च पाउडर, चिली पाउडर 2 स्पून। ये आपको अपने हिसाब से डालना है, कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल लेते हैं। अब इसमें लास्ट में डाल लेते हैं सीसेम, तिल को डाल लेते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आने देते हैं। एक उबाल आने तक ये अच्छा सा गर्म भी हो जाएगा। और फिर हम इसमें थोड़ी हल्दी मिला देते हैं। हल्दी सिर्फ हम कलर के लिए ऐड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आज मौसम बेमान है, आज मौसम। चलिए ये पाउडर किया था हमने पोहा और दलिया का, ये मैंने डाल दिया है इस पानी में। और साथ ही में हमें डालना है तुरंत अभी राइस पाउडर। तो इसमें हमने डाला है राइस पाउडर 1 कटोरी, दलिया पाउडर 1 कटोरी और पोहा पाउडर 1 कटोरी। तीनों कटोरी पाउडर के हमने डाल दिए। चलिए इस अब ये बहुत गर्म है, इसलिए थोड़ा सा आराम से इसे मिक्स कर लेते हैं। गैस पर से नीचे उतार लिया है मैंने पैन को, क्योंकि ये पैन भी गर्म हो चुका है। और हमारा जो अभी इसमें हमें आटा गूंथना है, और इसलिए इसे थोड़ा सा ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इसे अदर बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि ये पैन बहुत गर्म है ना, तो हमारा आटा भी गूंथने में हमें आसानी हो। चलिए पानी से थोड़ा थोड़ा करके पानी से आटा गूंथ लेते हैं। वैसे तो आटा गूंथना ज़्यादा हार्ड नहीं होता आपके लिए अभी, क्योंकि ये गर्म पानी में था ना। इस प्रकार से आटा गूंथ लिया है। आटा थोड़ा सा हार्ड ही रखिएगा, क्योंकि इसे हमें सांचे में डालना है। तो सांचे में डालने से पहले सांचे को ज़रूर ऑयल ग्रीस करिएगा, ऑयल उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से अब ज़्यादा ही अगर हार्ड हुआ होगा आपका डो, तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी लगा के आप इसे स्मूथ कर सकते हो। इस प्रकार से थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, हाथ को ही लगा लीजिए, और डो को थोड़ा नरम करके सांचे में भर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें गैस पे कढ़ाई रख ली है, ऑयल रखा है, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसकी हम चकली निकाल लेते हैं। यही सांचा हमें यूज करना है, बाजार में हमें यह सांचा मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें सांचे में पुनः भरने के बाद अब हम इसकी
मतलब जो चकली निकालेंगे वो थोड़ी आराम से निकालनी है, क्योंकि ये बहुत नरम मतलब रहती है, स्मूथ रहती है, इसलिए टूट जाती है। तो इसे देखिए इस प्रकार से आराम से निकालने चकली, और जो लास्ट वाला जो पोर्शन रहता है वो हमें चिपका लेना है, क्योंकि ये कढ़ाई में फिर निकल जाती है, कढ़ाई में ये छूट जाती है चकली, इसलिए जो लास्ट वाला देखिए अब कितनी सॉफ्ट बन चुकी है, क्योंकि आटा अच्छे से गूंथना है। देखिए पोर्शन हमें पैकअप कर लिया। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट चकली कर लेते हैं। इस प्रकार से आज मौसम बेमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, आज मौसम। चलिए मौसम तो आते जाते रहेंगे, अभी चकली पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार से चकली मैंने निकाल ली है, इस प्रकार से और डाल लेते हैं ऑयल में। एक साइड से होने के बाद दूसरी साइड एक बार जरूर पलटा लीजिएगा। इस प्रकार से आराम से अपनी चकली बन जाएगी। बहुत ईजी है, आसान तरीका है। देखिए इस प्रकार कितनी सारी चकली मैंने बना ली है, और कितनी प्यारी भी लग रही है ना, खाने में तो बहुत टेस्टी लगेंगी। ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा भी।